हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फैंटेसी क्रिकबॉल गाइस। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में खेला जाने वाला मैच नंबर 15 के पास अब हम आ चुके हैं। धीरे धीरे मुकाबले आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। हमारी यूपी के नवाब होने वाले हैं और दूसरी तरफ यहाँ बैंगलोर होने वाली। गाइस, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और बैंगलोर में मैंने बहुत टाइम बिताया, तो दोनों ही टीमों से एक अलग खास लगाव है मुझे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ अगर केएल राहुल की बात करें ना, इनका भी पुराना रिश्ता रहा है बैंगलोर से, तो आप कप्तानी करते हुए सामने नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ, दो मैच पिछले सीजन में दोनों टीमों ने खेला था और दोनों मैच को बैंगलोर ने जीता था, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन रीसेंट कंडीशन कुछ और कहती है। यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम इन फॉर्म चल रही है, चाहे आप बात कर लो बैटिंग ऑर्डर की या फिर कप्तान खुद अच्छी फॉर्म में चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, इवन क्विंटन डिकॉक के लिए आप जगह नहीं बना पा रहे हो। और गाइस देखो, बातें तो बहुत होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब। एक सेकंड लगता है, फटाक से सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना मत भूलिएगा, क्योंकि कल की टीम अगर आपने नहीं देखी होगी ना, तो जाके देख लेना हमने क्या गजब की विनिंग कराई है। और स्पेशली उनके लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी जो यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम लेने आते हैं, जो ग्रैंड लीग की टीम मांगते हैं। मैंने आपसे जीएल पिक आपको दिया था, मतलब चार ऑप्शन मैंने दिए थे, आप उसमें से देख सकते हो कि तीन ऑप्शन ने धमाल मचा दिया। मतलब कोई नहीं दे सकता गाइस, कोई भी ये ऐसी भविष्यवाणी नहीं करके देने वाला है कि आपके जीएल में आप किसके साथ कॉम्बिनेशन लगा के ट्राई करो। हमने चार ऑप्शन दिया था और चार में से तीन हमारा सुपर डुपर हिट ऑप्शन है, जाके देख लो। अगर विश्वास नहीं है तो चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना कल की हमारी टीम, सेम टीम के क्या पॉइंट है, हमारे जीएल के ऑप्शन जरूर देखना, उसके बाद लगेगा बात में सच्चाई है तो चैनल पे ज्वाइन हो जाना। वैसे भी आपके प्यार, साथ और विश्वास की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गाइस थैंक यू सो मच जो लोग ने भी आज तक मुझे सपोर्ट करके यहाँ तक ले आए हैं। जो भी कुछ हूँ आपके वजह से हूँ, ऐसा ही साथ बनाए रखिएगा। अभी रास्ता बहुत लंबा है, बहुत बड़ा सफ़र तय करना है, लेकिन उसके लिए आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसा साथ बनाए रखिए गाइस। देखो, यहाँ मैच नंबर 15 के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि 10 अप्रैल को 7:30 बजे शाम में होने वाला है। डिटेल में बातें करेंगे, कैसी होगी पिच, किसको फेवर करने वाली है, कौन कितने रन बनाने वाला है, कौन कितने विकेट निकालने वाला है। लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कैसे होना है। वीडियो आप देख रहे हो, आपको यहाँ नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन का क्लिक कर देना है, चैनल पे सब्सक्राइब हो जाओगे। और जस्ट उसके ऊपर आप देखोगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर मोर बटन का, मोर पे आप क्लिक करते ही गाइज ना, आपको बता रही हूँ, ये मोर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे ये डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दिखेगी। और लिंक में क्यों कह रही हूँ कि आपको लिंक से ज्वाइन होना है, क्योंकि हमारे चैनल के नेम पे बहुत सारे फेक चैनल बन गए हैं। ऐसे तो आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो फैंटेसी क्रिकबॉल ऑफिशियल, लेकिन आपको बहुत सारे चैनल दिखेंगे वहाँ पर हमारे नाम के, इतने फेक चैनल भरे पड़े हैं ना, लाख दो लाख के चैनल बना रखे हैं लोगों ने, तो वहाँ पर उन चीज़ों में नहीं फंसना यार, वो बहुत पैसे भी लूट रहे हैं। तो मुझे एक दो लोगों ने बताया भी, यहाँ पर आपको देखो हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री टीम मिलती है। आप जाके हमारे पुराने जितने भी सब्सक्राइबर हैं किसी से भी रैंडमली पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, आज तक किसी से भी एक रुपये नहीं लिए गए, बिल्कुल फ्री में टीम मिलने वाली है। आप यहाँ पर हमारे लिंक पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा फैंटेसी क्रिकबॉल, नीचे में आपको ज्वाइन दिखेगा, क्लिक करते ही आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। गाइज देखो, ये आईपीएल खेलना कहाँ है, ये आईपीएल आपको खेलना है विजन 11 के साथ। इतना बड़ा लीडर बोर्ड लेके आया विजन 11 आपके लिए, 1 करोड़ का लीडर बोर्ड। यहाँ पर टाटा हैरियर XUV रॉयल इनफील्ड एंड BMW की बाइक आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा है, तो ये चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो विज़न के साथ जुड़ जाओ। मैं तो विज़न पे ही सारा इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और मैं बहुत ट्रस्टेड ऐप है, चेन्नई सुपर किंग के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप बन चुकी ऐप, और यहाँ बहुत फ़ायदे हैं इस एप्लीकेशन में। मुझे ना ये एप्लीकेशन यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगता है, इसने पहला एप्लीकेशन है जिसने यूज़र के बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो उसका पीछे रीज़न भी बताती हूँ कि अगर आप सोचते हो कि हम क्यों विज़न में खेलें, आप इन्वेस्ट जो कर रहे हो मनी, उस इन्वेस्टमेंट से आप हमारी लास्ट टीम देख सकते हो, 5 मिनट पहले टीम आ जाती है, आप 5 मिनट में टीम लगा लो और सेम इन्वेस्टमेंट से आपके प्रॉफिट रिटर्न आ जाने। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट में आपको मिलेगा महिंद्रा थार, एप्पल का मैकबुक और एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो ये सारे ऑफर जो दे रहा है ना विज़न आपको, ये बिल्कुल फ्री में दे रहा है, इसके कोई भी पैसे या कोई भी आपको वो नहीं किया जा रहा है कि आपको इतने रुपए डिपॉजिट करने हैं तब ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करो,
बस आप इन्वेस्टमेंट में जिस रैंक पर रहोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्राइस बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको विजन पे क्यों खेलना है, वाई विजन 11, अगर आप इतने सारे ऐप पढ़े हैं तो क्यों खेलना है उसके पीछे रीजन देखो। जिस कॉन्टेस्ट को आप 5750 रुपए में अदर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करते हो, यहाँ पर आपको वो 5199 रुपए का मिल रहा है। टोटल आपके पैसे यहाँ बच रहे हैं 551 रुपए। इतने पैसे बच रहे हैं क्योंकि विजन 11 पूरे फैंटेसी वर्ल्ड में सबसे कम कमीशन लेता है और इसके सक्सेस का राज यही है क्योंकि इसने अपने प्रॉफिट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, यूज़र प्रॉफिट के बारे में। मैं भी इसीलिए यहाँ खेलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अदर ऐप पे मेरे को ज़्यादा एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं खेलूँगी तो मेरा कमीशन बचेगा। तो गाइज उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाक से जाइए हमारे लिंक से साइनअप कर लीजिए। क्योंकि आपको देखो, अगर आप हमारे लिंक से साइनअप करते हो ना, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या मिलने वाला है वहाँ पर। हमारे लिंक से साइन अप होते ही आपको सेम कॉन्टेस्ट में बैंगलोर वर्सेस लखनऊ में आपको यहाँ मिल जाएगा 50,000 का गिव अवे। ये आप जैसे ही साइन अप करोगे आपको पहले तो 500 रुपये बोनस मिल जाने वाले हैं, जिसको आप हर एक कॉन्टेस्ट में यूज कर सकते हो, जीएल से लेके स्मॉल लीग तक। और इसके अलावा आपको ये 50,000 का गिव अवे मिलेगा जिसमें आपको एक भी रुपए नहीं लगाने हैं, सिर्फ आपके फ़ोन में विजन 11 होना चाहिए और हमारा कोड जरूर डाल देना गाइज। हमारा कोड है क्रिक बॉल डाल के अगर आप साइन अप करते हो तो आपको ये 50,000 का फ्री कॉन्टेस्ट मिलने वाला है, एक रुपये आपसे नहीं लिए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आप एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके सिर्फ और सिर्फ 39 रुपये लगा के आप 5,00,000 रुपये बना सकते हो, हर रोज़ बना सकते हो। तो इतना छोटा अमाउंट आप लगा सकते हो। ऑप्शन हम आपको बताएंगे, हमारे वीडियो से स्टार्ट निकल के आएगा कि आपको कैसे ये कॉन्टेस्ट जीतना है। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ बात करेंगे मैच वेन्यू की कि ये मुकाबला कहाँ होने वाला है। ये मुकाबला होने वाला है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। यहाँ पर बात करें तो बेंगलोर स्वागत करने के लिए तैयार है हमारे यूपी के नवाबों का। तो देखना पड़ेगा कि देखो गाइस कुछ चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट पिच फॉर बैटिंग पर्पज इन इंडिया, मतलब बैट्समैन इस पिच को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। इसका मतलब आपके बैटर्स आपको दिलाएंगे ज़्यादा पॉइंट, क्योंकि आपको बताऊँ कुछ चीज़ें बता देती हूँ। लाइक अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर 22 से 33 के बीच में रहेगा। हवा जो आएगी वेस्ट से हवा आएगी तो वहाँ पर थोड़ा सा मूव देखने को मिलेगा, तो स्टार्टिंग में पेसर्स को मदद मिलने वाली है। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता जाएगा तो थोड़ी मदद स्पिनर्स को भी मिलने वाली है। तो गाइस देखो पिच कंडीशन यही रहने वाली है, बाकी बात कर लेते हैं स्टार्ट्स की, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। पिच स्टार्ट्स की अगर हम बात करें, पिच पे टोटल देखो 115 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 52 मैच जीते और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 61 मैच जीते। एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग की बात करें तो 164 है हाईएस्ट स्कोर जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बनाया। 263 पे 5 विकेट है, लोएस्ट स्कोर भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बनाया, 82 पे 10 है। घरेलू मैदान है तो बैंगलोर यहाँ पर थोड़ा फेवरेबल कंडीशन बैंगलोर के लिए रहने वाली है। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी मतलब होम ग्राउंड पे मैचेस खेले गए, वो कोलकाता वाला मैच लास्ट मैच बैंगलोर ने इतनी तगड़ी टीम, इस तरह के ओपनिंग बैटमैन और इस तरह की फॉर्म, विराट कोहली, फाफ टू प्लेसी, डेविड विली की खतरनाक बॉलिंग अटैक के बाद भी आप वहाँ पर हार जाते हो, क्योंकि केकेआर की ना ग्राउंड पिच थी थोड़ा यार, वो जो क्राउड का भी वो मोमेंटम होता है ना, वो खिलाड़ी ले जाता है अपने तरफ, नहीं तो वो पारी मुश्किल से थोड़ी सी आना निकल के शार्दुल के बल्ले से। अगर बात करें यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न की, 150 से नीचे का स्कोर 36 बार बन चुका है, 150 से 169 का स्कोर 31 बार बन चुका है, 170 से 189 की बात करें तो 21 बार बना है, 190 प्लस का स्कोर यहाँ पर 27 बार बन चुका है। तो आप देखो बहुत ईजिली यहाँ पर 190 प्लस का स्कोर भी बन रहा है। लास्ट कुछ मैच की बॉलिंग अटैक की बात करें तो देखो पेसर को मदद है, लेकिन रिसेंटली स्पिनर को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आखिरी कुछ मैच की बात करेंगे जो पिच पे खेले गए हैं कि किस तरह का मैच वहाँ पर हुआ था। पांचवा T20 IPL 2023, वहाँ पर मुंबई ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 173 रन बोर्ड पर लगाए थे। रिसेंट ये मैच हुआ और मुंबई ने एक अच्छा खासा बड़ा स्कोर बनाया था, उसके खिलाफ RCB ने 8 विकेटों से उस मैच को जीत लिया था। टोटल विकेट वहां 9 गिरी थी, जिसमें फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को मिली है 3 विकेट, पेसर को मिली है 4 विकेट, सेकंड इनिंग में स्पिनर को विकेट नहीं मिली और पेसर को मिली है 2 विकेट। तो 9 में से आपके 6 विकेट आपके पेसर निकाल के दिए, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि पेसर्स की थोड़ी एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में मदद मिलेगी।
महाराजा T20 अगर हम ट्रॉफी की बात करें तो यहाँ पर GBM ने फोर्स बैटिंग करते हुए 220 रन बनाए थे और BSB ने बात करें चेस करते हुए 209 रन बनाए थे। GBM 11 रन से जीत गई थी। टोटल विकेटें वहाँ पर 12 गिरी थी। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को मिली 1 विकेट, पेसर को मिली है 2 विकेट। सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मिली है 4 विकेट, पेसर को मिली है 4 विकेट, 1 रन आउट था। यहाँ पर भी पेसर्स को काफ़ी अच्छी खासी मदद है, लेकिन आप देखो स्पिनर्स भी गेम में बने हुए हैं। क्वालिफायर सेकंड की बात करेंगे महाराजा T20, वहाँ पर MW ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 157 रन बनाया था। GBM ने चेस करते हुए 6 विकेटों से उस मैच को जीत लिया था। टोटल विकेटें 9 गिरी, जिसमें से 5 विकेट मिली आपके स्पिनर को और 4 विकेट मिली आपके पेसर को। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इनिंग में एक चीज़ याद रखना, फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिल रही है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग में पेसर का जलवा पूरे मैच में देखने को मिलने वाला है। चलिए गाइज, यहाँ पर अब हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे दोनों टीम की क्या होने वाली है प्लेइंग 11। सबसे पहले हम जान लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। तो अगर हम बात करें बैंगलोर की इस सीज़न में 1 win 1 loss, तो यहाँ पर जरूर चाहेगी इस मैच को जीत के एक बढ़त करना, पॉइंट टेबल में अपने आप को जिंदा रखना, बरकरार रखना और काफ़ी अच्छे से ऊपर जाना है, हर कोई चाहता है। और इस बार बैंगलोर ऐसे फॉर्म में दिख भी रही है, वो पुरानी वाली बैंगलोर नज़र नहीं आ रही और हम चाहते भी नहीं है नज़र आए। यहाँ पर देखो ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे बहुत ही खतरनाक फाफ डुप्लेसी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, लखनऊ के खिलाफ फाफ डुप्लेसी ने लास्ट मैच में जब लास्ट सीजन खेला था आई थिंक 92-93 रन मारे थे, उनका साथ देते हुए दिखेंगे। विराट कोहली द रन मशीन, ये ओपनिंग बैटर्स अगर बात करें, ये ओपनर की जो जोड़ी है ना, ये ओपनिंग जोड़ी इस मैच में धमाल करने वाली है। फिर नज़र आएंगे मिचेल ब्रेसवेल, तेजी देंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे। फिर नज़र आने वाले हैं ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल की यहाँ पर बात करें गाइस, देखो रिसेंटली इंजरी से थोड़ा रिकवर होके आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप बॉलिंग तो करने वाले हैं नहीं। बॉलिंग मुझे लग रहा है 1 ओवर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और फिर नज़र आएंगे दिनेश कार्तिक मैच फिनिशर, फिर देखने को मिलेंगे सहबाज अहमद, डेविड विली यहाँ पर की प्लेयर बन के बेंगलुरु की तरफ से निकलने वाले हैं। हर्षल पटेल, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, करण शर्मा। लास्ट मैच अगर आपको याद होगा करण शर्मा ने 2 विकेट लिए थे, पहले मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया था। फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि करण शर्मा को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, लेकिन गाइस खिलाड़ी बहुत अच्छे, अभी तक दोनों मैच में अच्छा परफॉर्म किया, तो इस बार आप रिस्क ले सकते हो। बाकी हम आपसे बताने वाले हैं इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी 5 मुकाबले के स्टैट्स की, क्योंकि ये स्टैट्स जान के आपको टीम बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाने वाला है। बिना इस स्टैट्स के आपको टीम बनाने बहुत मुश्किल आने वाली है। GL में हमको किस पे रिस्क लेना है, स्मॉल लीग में किसके साथ सेफ जाना है, ये सारे स्टैट्स यहीं से निकल के आने वाले हैं। मैं खुद भी जो स्टैट्स प्रोवाइड करती हूँ ना, लास्ट मैच में जो हमने स्टैट दिया था, विजय शंकर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था, हमने GL पिक बना के दिया और आप देखो परफॉर्म क्या किया है, 100+ पॉइंट। सुनील नारायण को हमने GL पिक बना के दी, 3 विकेट, रन भी बनाया। तो यहाँ पर देखो इस तरह के जो कंडीशन होती है वो स्टैट्स यहाँ से निकलती है। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते, ये स्टैट वो स्टैट पे हेड टू इतनी चीज़ें हम भी दे सकते हैं, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे। चीज़ें शॉर्ट में लेके चलेंगे, क्योंकि कंफ्यूज करना नहीं, कंफ्यूजन दूर करनी है। तो सबसे पहले ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, बात कर लेते हैं फाफ डुप्लेसी, राइट हैंडेड बैटिंग 92-0-0-73-25। आखिरी दोनों मैच में अच्छा खेला विराट कोहली, राइट हैंडेड बैटिंग 4-31-54-82 रन। मिचेल ब्रेसवेल लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग, 14 रन, 2 विकेट, 35 रन, 1 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। इनको हर मैच में विकेट मिल रही है और इसीलिए ब्रेसवेल बहुत सेफ ऑप्शन हो जाते हैं आपके कैप्टन या वॉइस कैप्टन के लिए, क्योंकि बैटिंग भी ऊपर आएगी साथ साथ विकेट भी निकाल के देंगे। मैक्सी की बात करेंगे, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग, राइट हैंडेड बैटिंग 54-5-8-0 विकेट, 12 रन, 2 विकेट, लास्ट मैच में 5 रन बनाए थे, बॉल नहीं डाली थी। दिनेश कार्तिक राइट हैंडेड बैटिंग विकेट कीपिंग 2-27-34-09। अभी तक 2 बार मौके मिले हैं, लेकिन वैसा दिनेश कार्तिक ने लास्ट सीजन वाला रूप अभी दिखाया नहीं है। सहबाज अहमद लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग, 81 रन, 2 विकेट, 43 रन, 2-0 विकेट, 96 रन। आखिरी मैच, दोनों मैच में अगर बात की जाए तो सहबाज अहमद देखो वैसे भी बैटिंग नीचे आने वाली है और हम इसीलिए उन खिलाड़ियों पे जोर देते हैं जिसको प्रॉपर मौका मिलने वाला है, जिसको बल्लेबाजी से भी पूरा मौका मिले और गेंदबाजी से भी अपने पूरा मौका मिले। हर्षल पटेल, डेविड विली की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड बैटिंग, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, लास्ट मैच में 20 रन बनाए थे, 2 विकेट ली थी, पहला मैच इस IPL सीजन का। हर्षल पटेल राइट आर्म मीडियम बॉलिंग, 2 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। हर्षल पटेल को देखो 1-1 विकेटें हर मैच में मिली, उसके पीछे रीज़न है 4 ओवर पूरे कराना, पूरा मौका मिलता है, इसके साथ डेथ में बॉल डालते हैं, डेथ में बॉल डालेंगे तो वहाँ पर कन्फर्म में विकेट तो मिलेगी।
आकाशदीप राइट आर्म मीडियम बॉलिंग, 6 विकेट 6 विकेट 4 विकेट 1 विकेट, लास्ट 5वीं विकेट नहीं मिली है। मोहम्मद सिराज राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, लास्ट दोनों मैच में सिराज को विकेट मिली है। इसीलिए हमेशा से देखो हर्षल पटेल मोहम्मद सिराज बहुत सेफ ऑप्शन हो जाते हैं बैंगलोर की तरफ से आपको अपने टीम में रखने के लिए। लेकिन कर्ण शर्मा जो एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं इस बार, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग, 5 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, आखिरी दोनों मैच में 2-2 विकेट निकाल चुके कर्ण शर्मा यहाँ पर की प्लेयर बन सकते हैं। इस बार बहुत सारे लोग ऐसा रिस्क लेने वाले हैं इनके साथ। तो चलिए गाइस जानते हैं यहाँ पर बॉलिंग ऑर्डर क्या रहने वाली है, कौन कब बॉल डालने वाला है, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो पावर प्ले में और डेथ में बॉल डालने वाले के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं विकेट निकालने के। पावर प्ले में बॉल डालेंगे मोहम्मद सिराज जहाँ पर इनको 1 विकेट मिल सकती है, डेविड विली, मिचेल प्रेसवेल एंड आकाशदीप। आकाशदीप भी पावर प्ले में थोड़े डेंजरस रहते हैं। मिडिल ऑर्डर में हर्षल पटेल यहाँ 1 विकेट निकाल सकते हैं, कर्ण शर्मा, ब्रेसवेल, आकाशदीप और ग्लेन मैक्सी। डेथ में बॉल बताएं तो हर्षल पटेल को 1 विकेट मिल सकती है, विली को 1 से 2 विकेट डेथ में मिल सकती है और सिराज को भी 1 से 2 विकेट डेथ में मिल सकती है। तो बॉलिंग ऑर्डर देख लो कम्प्लीटली यही रहने वाली है। प्लेयर्स बैटल की बात करेंगे गाइस कि प्लेयर्स बैटल किस तरह से होने वाला है। तो यहाँ पर पाप डुप्लेसी का बल्ला शांत किया आवेश खान ने, 5 इनिंग में 39 रन देके 36 गेंदों पे एक बार आउट। क्रूनल पांड्या जो कि लास्ट बाजी लखनऊ की तरफ से एक बहुत मजबूत कड़ी है, 4 इनिंग में 1 बार आउट कर चुके हैं। मैक्सी को भी फंसाया है क्रूनल पांड्या ने। गाइस बैंगलोर की ना मतलब थोड़ी सी इनकी कमजोरी मुझे यही लगती है, अगर आप फास्टर लगाओगे वहाँ पर तो फाफ हो गया, चाहे विराट हो गया, चाहे फिर मैक्सी हो गया, बहुत इन्जॉय करके खेलेंगे, बड़े बड़े शॉट देखने को मिलेंगे। लेकिन जहाँ इनके सामने स्पिन बॉलिंग आ जाती है वहाँ फिर खतरा है, चाहे विराट की बात कर लो, फाफ की बात करो या मैक्सी, ये तीनों ही खिलाड़ी स्पिनर्स के सामने फंसते हैं, अपना विकेट खो सकते हैं। तो वहाँ पर आपके क्रूनल पांड्या, रवि बिश्नोई कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अगर अमित मिश्रा को खिलाया जाता है तो यहाँ पर की प्लेयर बन सकते हैं, क्योंकि उनको विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो फंसाएंगे आपके टॉप ऑर्डर को। यहाँ पर भी देख लो क्रूनल पांड्या ने 9 में से 3 बार आउट किया है, स्टोइनिस ने 5 में से 2 बार आउट किया है। यहाँ पर सेम हालत है विराट कोहली का, आवेश खान ने 2 इनिंग में 4 रन देके 9 गेंद पे 2 बार आउट किया है। क्रूनल पांड्या 10 इनिंग में 1 बार आउट कर पाए, बहुत रन मारा है इनके खिलाफ कोहली ने भाई। तो यहाँ पर कृष्णप्पा गौतम 3 इनिंग में 24 रन 27 गेंदे 1 बार आउट, विराट कोहली को आउट कराना है, कृष्णप्पा गौतम को सामने बॉल थमा दो, बहुत ईजिली अपना विकेट खो देंगे क्योंकि आंकड़े यही कहते हैं। उसके अलावा बात करें दिनेश कार्तिक की, आवेश खान अगेन 5 इनिंग में 1 बार आउट, क्रूनल पांड्या 7 इनिंग में 2 बार आउट। 3 नाम यहाँ से निकल के बार बार आ रहे हैं। पहला नाम है यहाँ पर आवेश खान, दूसरा नाम यहाँ पर रहने वाला है क्रूनल पांड्या, और तीसरा नाम जो कि विराट कोहली के लिए स्पेशल मुझे लग रहा है खिलाड़ी को बुलाया जा सकता है वो होने वाला है कृष्णप्पा गौतम। तो ये 3 बॉलर बैंगलोर के बैट्समैन को फंसा सकते हैं। चलिए गाइस बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की, क्या होने वाली है प्लेइंग 11। लखनऊ के नवाबों की अगर हम बात करें तो 3 में से 2 मैच जीते हैं, सिर्फ 1 मैच हारे हैं, लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। और इस मैच में मुझे लग रहा है लखनऊ थोड़ा स्ट्रांग दिखने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे केएल राहुल, उनका साथ देते हुए दिखेंगे क्विंटन डिकॉक। यहाँ पर देखो क्विंटन डिकॉक की जगह हो सकता है अगेन आपको काइली मेयर खेलने को दिख जाए, तो वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी। और इसीलिए बोलती हूँ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि लास्ट जो सारी अपडेट होती है ना वो अपडेट आती है टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक नीचे ज्वाइन हो जाओ। हो सकता है काइली मेयर को खिलाया जाए, क्योंकि लास्ट अगर 3 मैच में से 2 मैच में हाफ सेंचुरी लगा चुके काइली मेयर, इसके साथ ही साथ पावर प्ले में बॉल डालते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्विंटन डिकॉक को खिलाया जा सकता है, बैंगलोर जैसी टीम है तो डिकॉक का खेलना बनता है। फर्स्ट जोन बैटिंग करने आएंगे दीपक हुडा, फिर नजर आने वाले टीम के की प्लेयर क्रूनल पांड्या। लास्ट मैच के हीरोइक परफॉर्मेंस देने के बाद यहाँ पर भी हम उम्मीद ला रहे हैं कि क्रूनल पांड्या एक की प्लेयर बनने वाले हैं, फिर देखने को मिलेंगे। मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पुरन, बात कर लेते हैं कृष्णप्पा गौतम, आवेश खान, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर एंड माकुड़ यहाँ पर की प्लेयर बन सकते हैं, कम से कम इस मैच में 3 विकेट निकाल के दे सकते हैं। जीएल के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की एक बहुत अच्छी चॉइस रहने वाले हैं। गाइस चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर से इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी 5 मुकाबले के स्टैट्स के बारे में, क्योंकि बिना इस स्टैट्स के
टीम बनाने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। लास्ट किसी भी प्लेयर के बारे में ना आखिरी पांच मुकाबला बहुत होता है उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। कभी भी टीम बनाते टाइम आप वहां पर जाके एप्लीकेशन में परसेंटेज सिलेक्शन पे टीम नहीं बना सकते कि कृष्णप्पा गौतम को किसी ने नहीं बनाया कैप्टन, 2% है तो मैं बना लेता हूँ। ऐसे कभी नहीं जीतोगे, कोई नहीं जीतेगा। तुक्के पे टीम नहीं बनती है, और ना ही अगर कहीं से टीम ले रहे हो ना जीएल की, वहाँ कभी नहीं जीतोगे। अगर जीत सकते ना तो वो जो दे रहे होते हैं वो पहले जीत जाते हैं। तो उन चक्रों में मत पड़ो यार, स्टैट्स फॉलो करो, खुद की प्रेडिक्शन लगाओ, मैच फॉलो करो, और किस्मत साथ देगी तो जीएल में जीतने से कोई नहीं रोकने वाला है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। केएल राहुल राइट हैंडेड बैटिंग 9, 32, 8, 20, 35 रन। क्विंटन डिकॉक लेफ्ट हैंडेड बैटिंग विकेट कीपिंग 121, 9, 8 आखिरी मैच में खेले नहीं थे। दीपक हुड्डा राइट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग 1 विकेट 2 रन 17 रन 2 रन 7 रन। कुणाल पांड्या लेफ्ट हैंडेड बैटिंग 2, 3 रन 2 विकेट 15 रन 0 विकेट आखिरी मैच में 34 रन बनाए थे और 3 विकेट भी लिया था। मार्कस स्टोइनिस राइट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म मीडियम बॉलिंग 25 रन 1 विकेट 12 21 10। निकोलस पूरन लेफ्ट हैंडेड बैटिंग विकेट कीपिंग 2 रन 41 रन 36 रन 32 रन 11 रन। कृष्णप्पा गौतम राइट हैंडेड बैटिंग 39 रन 2 विकेट 25 रन 4 विकेट 6 रन 0 विकेट 17 रन 0 विकेट। लास्ट मैच में ना ही बैटिंग आई ना ही बॉलिंग आई, सामने वाली सनराइजर्स को 122 रन पे 121 रन पे ऑल आउट कर दिया था, तो कहां से ही आती। अवेश खान राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग 2 विकेट 6 विकेट 2 विकेट 1 विकेट लास्ट मैच में नहीं खेले थे। अवेश खन्ना और मार्कवुड को रेस्ट दिया गया था, शायद थोड़े वेल नहीं थे। रवि बिश्नोई राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। रवि बिश्नोई को देखो, आईपीएल के ना कुछ स्पेशल प्लेयर होते हैं, उनमें से एक नाम है रवि बिश्नोई, जिसको हर मैच में विकेट मिलती है। तो रवि बिश्नोई बहुत सेफ ऑप्शन हो जाते हैं। यश ठाकुर राइट आर्म मीडियम बॉलिंग 5 विकेट 1 विकेट 0 विकेट लास्ट मैच में 1 विकेट मिली थी। मार्कवुड राइट आर्म फास्ट बॉलिंग 0 विकेट 1 विकेट 5 विकेट 3 विकेट। लास्ट जो 2 मैच खेला है मार्कवुड ने, आखिरी मैच तो खेले नहीं थे, उसके पहले के जो 2 मैच खेले थे वहाँ पर टोटल 8 विकेट निकाल चुके मार्कवुड। यहाँ पर की प्लेयर बनने वाले हैं आपके लखनऊ की तरफ से अगर हम बात करें, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, मार्कवुड और मुझे लग रहा है क्रूनल पांडे, ये 5 की प्लेयर बन सकते हैं। वहीं बैंगलोर की तरफ से तो भाई साफ है फाफ, विराट, डेविड विली। तो गाइस चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर आपसे प्लेयर्स बैटल के बारे में। सॉरी गाइस, यहाँ पर आपसे हम बॉलिंग ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं कि बॉलिंग ऑर्डर क्या रहने वाली है। पावर प्ले में देखो बॉल डालेंगे यहाँ पर मार्कवुड, पावर प्ले में बॉल डालेंगे मार्कवुड, यहाँ पर इनको 1 विकेट मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें आवेश खान, यश ठाकुर, आवेश खान को पावर प्ले में 1 विकेट मिल सकती है, मार्कवुड को 1 विकेट मिल सकती है। मिडिल ऑर्डर में रवि बिश्नोई को विकेट मिल सकती है, कृष्णप्पा गौतम, विराट कोहली की विकेट ले सकते हैं, क्रूनल पांड्या को भी 1 विकेट मिल सकती है। डेथ में मार्कवुड कम से कम 2 विकेट, आवेश खान एंड यश ठाकुर, यहाँ पर इन सबको देखो 1-1 विकेटों से ज़्यादा विकेट नहीं मिलने वाली। तो बॉलिंग ऑर्डर यही रहने वाली है। प्लेयर्स बैटल जानते हैं कि प्लेयर्स बैटल किसको किसने परेशान किया है। यहाँ बात करेंगे केएल राहुल को परेशान किया हर्षल पटेल ने, 5 इनिंग में 1 बार आउट, सहबाज अहमद 4 इनिंग में 1 बार आउट। सबसे ज़्यादा परेशान किया मैक्सी ने, मतलब कि मैक्सी बॉल करा सकते हैं अगर वेल होंगे, 4 इनिंग में 2 बार आउट। निकोलस पूरन को परेशान किया अगेन हर्षल पटेल, 4 इनिंग में 1 बार आउट किया है। क्विंटन डिकॉक को सिराज ने परेशान किया है, 6 इनिंग में 2 बार आउट। डेविड विली ने 2 इनिंग में 1 बार आउट, मैक्सी ने 2 इनिंग में 1 बार आउट किया है। फिर अगर बात करें यहाँ पर स्टोइनिस को परेशान किया अगेन हर्षल पटेल, 3 बार में से 9 रन दे के 13 गेंदों पे 2 बार आउट कर चुके हैं, और मैक्सी ने 3 इनिंग में 1 बार आउट किया। यहाँ पर से 3 नाम निकल के आ रहे हैं एज यूजुअल, मुझे लग रहा है सिराज, हर्षल पटेल, ये दोनों नाम बिल्कुल सेफ हो जाते हैं बैंगलोर की तरफ से अपने टीम में रखने के लिए। और अगर मैक्सवेल यहाँ बॉल डालते हैं तो आप इस मैच में मैक्सवेल के साथ भी जा सकते हो। डेविड विली तो इन फॉर्म पैकेज रहने वाले हैं। तो इस तरह की देखो यार यहाँ पर स्टैट्स ऐसे ही कुछ होने वाले हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की, कि जब भी दोनों टीमें आपस में भिड़ी हैं तो किस तरह का मैच हुआ था। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2 बार भिड़ी है और दोनों ही मैच जीता है आरसीबी ने। लेकिन अगर हम बात करें एलिमिनेटर, पहला टी20 मैच हुआ था जहां पर आरसीबी ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 207 रन बनाए, लखनऊ 193 रन पे ढेर हो गई, 6 विकेट खोके नहीं बन पाए रन, उस मैच को हार गई आरसीबी ने, 14 रन से उस मैच को जीत लिया। परफॉर्म किसने किया, विराट कोहली 25 रन, रजत पाटीदार 112 रन मारे थे भाई, दिनेश कार्तिक 37 रन, हेजलवुड को 3 विकेट, हर्षल पटेल 1 विकेट, सिराज अगेन हर्षल पटेल सिराज, हर्षल पटेल सिराज, बैंगलोर में यही चलता रहता है यार। लखनऊ की तरफ से क्विंटन डिकॉक फेल, केएल राहुल ने अपने लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी है आईपीएल में, लास्ट सीजन 1 मैन आर्मी के जैसे दिख रहे थे, 79 रन मारा था। दीपक हुड्डा ने अच्छा खेला था,
कुणाल पांड्या को एक विकेट मिली थी, आवेश खान को एक विकेट मिली थी, रवि बिश्नोई को एक विकेट मिली। फिर अगेन बात करें ये मैच जो आईपीएल 2022 में 31वां मैच हुआ था, आरसीबी ने फोर्स बैटिंग करते हुए 181 रन बनाए और लखनऊ ने चेस करते हुए अगेन 163 रन बना पाई। फिर से आरसीबी फोर्स बैटिंग करते हुए 18 रन से जीत गई। तो फोर्स बैटिंग करने के रिकॉर्ड आरसीबी के लखनऊ के सामने ज़्यादा बेटर है। आप समझो यहाँ पर अगर टॉस जीत के आरसीबी पहले बैटिंग करेगी तो उसके जीतने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे। हालांकि पिच की बात करो तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग चूज करना चाहेगी, चेस करना चाहेगी, और चेजिंग मास्टर विराट कोहली हमारे पास है। सामने वाले बात करें यहाँ पर विराट कोहली फ्लॉप थे, लेकिन फाफ ने लगाया था 96 रन, मैक्सी 22 रन, 23 रन मारे थे, हेजलवुड को 4 विकेट मिली थी, हर्षल पटेल अगेन, हर्षल पटेल सिराज, दो बार बार मैं आपसे नाम लूंगी, ये हर्षल पटेल सिराज देखो दोनों जगह परफॉर्म किया है। और बात करूँ यहाँ पर फाफ डुप्लेसी बहुत अहम प्लेयर रहने वाले। इधर से अगर बात करें क्विंटन डिकॉक अगेन फ्लॉप थे, केएल राहुल ने 30 रन मारे थे, केएल राहुल दोनों तरफ से की प्लेयर बन गए। कृणाल पांड्या 42 रन और एक विकेट भी लिया था, कृणाल पांड्या ने यहाँ भी एक विकेट लिया, तो कृणाल पांड्या बहुत अहम होने वाले हैं। जेसन होल्डर को 2 विकेट मिली थी और चमेरा जो कि अभी नहीं है लेकिन जेसन होल्डर इस बार खेल रहे, तो आंकड़े आपके सामने, आप यहाँ से अपने की प्लेयर निकाल सकते हो। गाइस चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं मैच प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है कि इस मैच में बाजी कौन मारेगा। और मेरा प्रेडिक्शन एज यूजुअल वेरी क्लियर है, मुझे लग रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विल डिफीट दी लखनऊ सुपर जायंट्स। बाकी ऐसे अगर सच बताएं तो दिल से लगता है कि लखनऊ इस मैच को जीतने वाली है, लेकिन दिमाग आपके प्लेयर्स के अकॉर्डिंग होता है। मुझे जिस तरह की आरसीबी की बैटिंग लाइन लग रही है, लास्ट मैच जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो झटका दिया है ना, यहाँ पर वो सारा कसर निकालने वाली है विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी की टीम, तो ये जीतने वाले हैं। दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म की बात करो तो लखनऊ अपने आखिरी 5 में से 3 मैच जीती है, वहीं बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तो ये भी अपने आखिरी 5 में से 3 मैच जीते हैं। आंकड़ों की बात करोगे तो पलड़ा बराबर का पड़ गया है, हम किसी को भारी और कम नहीं आंकने वाले हैं, तो कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, अनप्रेडिक्टेबल गेम है, एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर अपने पूरे वीडियो के सबसे मेन पॉइंट की, जो है हमारी फैंटेसी टीम की, हमने किसको किसको सेलेक्ट किया। विकेट कीपर में पूरन, बैटर में केएल राहुल, विराट कोहली, दीपक हुडा, फाफ डुप्लेसी, ऑलराउंडर में ब्रेसवेल, और यहाँ हम जाने वाले हैं कृणाल पांड्या के साथ। बॉलर की बात करें तो रवि बिश्नोई, मार्क वुड, मोहम्मद सिराज, आवेश खान, यहाँ पर आप एक चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आवेश खान की जगह आप यहाँ पर हर्षल पटेल को ले सकते हो, अगर बैंगलोर फर्स्ट बैटिंग करने आती है तो वहाँ पर आप हर्षल पटेल के साथ जा सकते हो। और मुझे लगा क्योंकि हुडा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, केएल राहुल की फॉर्म बहुत अच्छी दिखी थी मुझे हेड टू हेड में, तो इस मैच के कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं केएल राहुल। वॉइस कैप्टन के लिए आप फाफ डुप्लेसी के साथ जा सकते हो, बाकी अगर आपको रिस्क लेना है तो आप कृणाल पांड्या के साथ भी जा सकते हो और कैप्टन के लिए विराट को भी ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे कुछ सम लाइक माइनर चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, काका प्लेयर इधर उधर, टीम का स्क्रीनशॉट ले लो, हमारे सेम टीम के भी साथ जाओगे तो लॉस नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाओगे। तो सेम टीम के साथ भी जाओगे 60-70% तक के कॉन्टेस्ट जीत के आने वाले हो। जीएल में और कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं हम, गए जीएल की बात करें तो यहाँ पर हम कृणाल पांड्या, कृष्णप्पा गौतम, मार्क वुड, फाफ डुप्लेसी, केएल राहुल, दीपक हुडा, एकदम आप स्टार्ट देख लो, हमारे ये 6 की प्लेयर देख लो, ये इस मैच के हमारे 6 की प्लेयर है जो मुझे लगता है इस मैच में परफॉर्म करेंगे और हमारी टीम में बहुत सारा फैंटेसी पॉइंट दिलाने वाले हैं, जो कि हम चाहते भी हैं कि हमारे खिलाड़ी परफॉर्म करें और हमारी फैंटेसी में हमको बहुत ज़्यादा पॉइंट मिले। जीएल में हमेशा मैं कहती हूँ हर कंपनी आपको नंबर ऑफ टीम की ऑप्शन देती है, 11-25 टीम, सम अलग अलग कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्टेस्ट डिज़ाइन होते हैं, तो वहाँ पर आपको आपको हर एक टीम में आप एक टीम के साथ तो जीएल कभी जीत ही नहीं सकते, नंबर ऑफ टीम आपको बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसमें भी आपको 7-8 प्लेयर सेम रखने हैं, आपको टॉप पिक चुननी है, 3 प्लेयर शफल करके इधर उधर कर सकते हो, कैप्टन वॉइस कैप्टन में वेरिएशन डालो, वहीं जीतने के चांसेस है। बाकी जैसा बार बार कहती हूँ किस्मत साथ देगा तो जीतने से कोई नहीं रोकने वाला है। गाइस मेरी फाइनल टीम यहाँ नहीं आने वाली, मेरी फाइनल टीम आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब जाके ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आएगी हमारी लास्ट और बेस्ट विनिंग टीम जो आती है टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद जब हमें पता चलाता है दोनों टीम की एग्जैक्ट प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, इसके साथ टॉस जीत के यहाँ पर पहले बॉलिंग और बैटिंग कौन करने वाला है, तो वो फाइनल टीम टेलीग्राम पे आएगी, तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइएगा गाइस। और आज का हमारा गिव अवे क्वेश्चन ये रहने वाला है कि यहाँ पर आपको इस बताना है कि इस मैच में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाने वाला है, बहुत टफ होने वाला है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट कौन निकालने वाला है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है,
फटाक से दोनों क्वेश्चन का आंसर एकदम सही सही कर दो। और यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट में हमने थोड़े चेंजेस किए, आप बहुत सारे लोग जो पीछे छूट जाते, तो अब हमारे फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट में 5 विनर बनने वाले हैं। जल्दी जल्दी लाइक कमेंट कर दो गाइस। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मैच की पूरी प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब, अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।